तो इन तीन सवालों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं सारी चीज में कवर कराऊंगा आपको लगभग यहां पर जितने भी इसमें आएंगे के उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो शुरू से आखिरी तक आप एलजेबरा की वीडियो को देखिए पार्ट वन वीडियो है इस पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको यहां पर जो कवर कराऊंगा वो इस तरीके का पैटर्न होता है एक्स प्लस वन बाय एक्स वाले फॉर्मेट का इसको मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा ठीक है तो सारे जितने भी पैटर्न होते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स वाले फॉर्मेट में वो इस पार्ट वन वीडियो में कवर होगा ठीक है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि मंडे टू फ्राइडे दोपहर के बारह बजे और शाम के पांच बजे दो वीडियोज आपको मिलते हैं सुबह वाले शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग इवनिंग वाले शिफ्ट में साइंस uh, यानी कि जीएस जी और साथ में आपको इसमें इंग्लिश भी प्रोवाइड होता है ठीक है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको यहां पर सारे जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है साथ ही साथ बहुत लोग को ये डाउट था कि लेक्चर से रिलेटेड या आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाता है प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराया जाता है उससे कुछ भी डाउट है तो तो वो कैसे पूछा जाए तो, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी बन चुका है आप वहां जुड़ जाइए वहां पे अगर कोई भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं हमसे हम, हम वहां पर सारे फैकल्टीज उस ग्रुप में हैं तो आपका कुछ भी डाउट होगा तो हम वहां पे रिप्लाई कर देंगे ठीक है चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ एलजरा को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बीजगणित गणित इसके फॉर्मुलेज होते हैं फॉर्मुलेज बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने बताया आपको प्लस वन बाय एक्स वाले फॉर्मेट तो उसके सवाल कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि एक्स प्लस वन एक्स का मान तीन है तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब का मान क्या होगा ये क्या इसका मान बताइए तो इस प्रकार के सभी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए मैं यहां पर बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होता तो मैं बेसिक से थोड़ा सा यहां पर टाइम स्पेंड करूंगा सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं फिर ये जो सवाल है विद इन विदिन आप इसको उड़ा सकते हैं अगर आपको सारे के सारे फॉर्मुलेज और टेक्निक्स पता है तो ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर कुछ फॉर्मूले से तो आप लोग फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर ठीक है कुछ फॉर्मुलेज देखेंगे हम एल्जेवरा के Heading आप लोग डालेंगे कि इसके फॉर्मुलेस हम देखेंगे पहले स्क्वायर के देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल का बी स्क्वायर ठीक अगर आपसे आप पूछा जाए कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए बी के जगह माइनस बी कर देना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर अब जैसे ही माइनस डालोगे तो माइनस टू ए बी आएगा यहाँ पे और माइनस बी का स्क्वायर भी एक धनात्मक अंक ही होता है तो माइनस बी के ऊपर अगर आप यहां पर एक स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर से बी ही आएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा ठीक तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले है एकदम बेसिक फॉर्मूले अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं इन दोनों को अगर ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है यदि मैं पहले और दूसरे फार्मूले को जोड़ दूं तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा पहले और दूसरे फार्मूले को जोड़ने पर तीसरा फॉर्मूला बनेगा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टू टाइम्स हो जाता है क्योंकि आप देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर इन दोनों को स्क्वायर करूं तो होता क्या है आप देखिए टू ए बी और माइनस टू बी दोनों के दोनों कट जाएंगे ए स्क्वायर दो बार आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो बार बी बी स्क्वायर प्लस बीक्वायर तो मैंने टू कॉमन निकाल के यहां पर इस तरीके से इसको नोट no डाउन किया चौथा फॉर्मूला यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दू पहले और दूसरे को माइनस कर दू तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा तो फोर ए बी हो जाएगा ठीक क्योंकि हो हो दे वैल्यू है, है होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इनमें से कुछ जो है वो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का जो पहला स्टार्टिंग में वीडियो हमने देखा था एल्जेबरा रिलेटेड वहां पर भी हमने इन सारी चीजों को नोट डाउन किया था ठीक है तो वहां से भी आपने कुछ चीजें देखी होगी आज हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ठीक है तो ये कुछ आइडेंटिटीज है ये आइडेंटिटीज को आप जहां भी पढ़ने के लिए बैठते हैं वहां पर नोट डाउन करके सामने इसको चिपका के रखिए अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है मतलब ये जो है आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि तो इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके बाद के कुछ फार्मूलेज देखते हैं जैसे कि स्क्वायर के फॉर्मुलेज हमने देखा अब हम आएंगे क्यूब्स के फॉर्मुलेज में तो सिक्स फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ठीक है प्लस प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ठीक वहीं अगर आपसे ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लिखिए ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्योंकि b के जगह हमने क्या किया तो माइनस कर दिया ये हो जाएगा माइनस का थ्री ए बी और अगला वाला हो जाएगा a माइनस बी ठीक अब इसके बाद आएगा एट्थ फार्मूला जो कि क्या है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले हैं ठीक है थीक? इन दोनों फार्मूलेस को आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी हम इसमें पहला फार्मूला यूज करेंगे कभी सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो पहला फार्मूला आप नोट डाउन करिए होता है ए प्लस बी ठीक है ए प्लस बी और ब्रैकेट में यहां पर क्या आ जाएगा तो ए स्क्वाइनस ए बी प्लस बी स्क्ता है तो थ्री ए बी दूसरे तरफ चला जाएगा ना और जैसे आप ए प्लस बी को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री ए बी बचेगा जिसका ब्रैकेट खोलने पर लगभग यही वैल्यू आएगा ठीक अब जैसे कि मैंने बोला कि इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बना है तो इसी फॉर्मूले से एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का क्या होगा तो आप देखिए यहां से ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप इस तरीके से भी इसको याद रखें क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक्स प्लस वन बाय के फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ठीक है तो अभी आप इसको नोट करके रखिए फिर मैं इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स के फॉर्मेट में भी लेकर आऊंगा ठीक चलिए इसके बाद आते हैं नाइन्थ फॉर्मूले में और नाइन्थ फॉर्मूले में आपको यहां पर जानना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के बाद इसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर ठीक प्लस ए बी होगा यहां पर और माइनस यानी कि प्लस बी स्क्र होगा मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं तो पहले वाले ब्रैकेट में ए प्लस भी आता है दूसरे ब्रैकेट में आओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्ट इज रहता है बस तो ए माइनस बी है तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है ये थ्री ए बी ठीक है ये वाला जो टर्म है थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी इसको अगर मैं दूसरे तरफ यहां से उठा के दूसरे तरफ लेकर जाऊंगा यह ए माइनस बी होल क्यूब थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है तो ये करेक्ट फॉर्मुलाज इन, इन के ऊपर ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर्मुलेज अभी हमने देखा पहले ये कुछ फॉर्मुलेज हमने नोट डाउन किया और इसके बाद फिर हमने ये सारे फॉर्मूलाज हमने नोट डाउन किया तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है अब यहां से मैं आपको लेके चलता हूं यानी कि एक्स प्लस वन बाय एक्स वाले फॉर्मेट में एक्स प्लस वन बाय एक्स वाले फॉर्मेट में पहले समझिए कि यहां पर हमें सीखना है तो क्या सीखना है देखिए सबसे पहली बात यहां पर जितने भी फॉर्मुले मैंने देखे उसमें यदि मैं ए को एक्स मान लूं और बी को वन बाय एक्स मान लूं क्या कर रहे हैं हम लोग ए को एक्स मान लेते हैं और बी को वन बाय एक्स मान लेते हैं ऐसे केस में क्या हो जाएगा यहां पर अभी मैंने जो फॉर्मुलेज आपको दिखाए उसमें क्या हो जाएगा देखिए सबसे पहली बात जहां जहां आपने ए डाला है उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे एक्स डाल देंगे जहां जहां आपने बी है उसके जगह पे हम क्या कर देंगे तो वन बाय कर देंगे तो जो ए बी है ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू वन हो जाएगा कि नहीं क्योंकि देखिए मैंने कहा कि ए का वैल्यू है एक्स और बी का वैल्यू है वन बाय तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स इंटू वन बाय एक्स हो जाएगा और एक्स इंटू वन बाय एक्स का मतलब वन हो गया मतलब ए बी जहां जहां आपको दिखे उन सभी जगह पे ये वन हो जाएगा मतलब ये प्लस का टू हो जाएगा ये माइनस का टू हो जाएगा ठीक यहां पे चार बन जाएगा ठीक और यहां पे जहां पर भी ए बी दिख रहा है वहां पे सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी ठीक तो ये कुछ बातें हो गई अब देखिए यहां से मैं आपको ले चलता हूं आगे और इसको ए और बी के फॉर्मेट में हम यानी कि ए की जगह एक्स और बी की जगह वन बाई एक्स लिखने के लिए चालू करते हैं ठीक है चलिए इसके आगे बढ़ने के पहले एक फॉर्मूला और आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जो कि इससे बनेगा देखिए इससे बनेगा ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रीअरेंज किया जा सकता है ये जो फोर्थ फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और गौर से देखिए कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है

ए स्क्वायर प्लस बीक्वायर का वैल्यू मुझे चाहिए यानी कि ये पहला वाला फॉर्मूले को देखिए इस पहले वाले फॉर्मूले को देखिए अगर मेरे पास बी का वैल्यू है मुझे निकालना है मुझे क्या चाहिए? तो, चाहिए तो मैं क्या करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस टू ए बी कर लूंगा तो क्या मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मिल जाएगा ठीक तो इसी फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज किया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया ए

और मैंने आपको यह बात बता के रखी है कि एक्स इक्वल टू ए है और वन बायल टू अगर बी तो जितने भी A, वाले टर्म्स ठीक और इसी का हम अब यहां से यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात मैंने यहां पर लिखा है अगर ए इतना है तो बी इतना है मतलब ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया ए प्लस बी का वैल्यू हो गया एक्स प्लस वन ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया ए माइनस बी का वैल्यू हो गया तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू कैसे मैंने इस चीज को लिख दिया अब देखिए यहां से आप वापस आइए इस फॉर्मूले में यहां थोड़ा सा इसको गौर करिए मैंने कहा कि x बराबर ए है और वन बराबर बी है और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कि स्क्वायर का वैल्यू क्या है मतलब प्लस वाई, वन का वैल्यू क्या है मतलब मैंने क्या किया मैंने यहां पर ए की जगह डाल दिया एक्स ठीक इस ए के जगह इस फॉर्मुले को देखिएगा इस फॉर्मुले को देखना ठीक है मैंने क्या किया ए की जगह डाल दिया एक्स स्क्वायर और बी की जगह डाल दिया वन बायस स्क्वायर ठीक और इसका वैल्यू कितना आ गया तो ए प्लस बी है ए प्लस बी का मतलब क्या है एक्स प्लस को ही तो हमने क्या लिया था capital A लिया था इसका होल स्क्वायर बनेगा और माइनस टू ए बी आएगा ए बी का वैल्यू मतलब है ए बी मल्टीप्लाई होने पर वन होगा एक्स और वन बाय एक्स कट हो जाता है ठीक है तो इसी चीज का फायदा हम यहां पर उठाएंगे कि अगर आपको कभी भी एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दे दिया है कैपिटल ए आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो क्या करेंगे डायरेक्टली इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और माइनस टू कर देंगे ठीक जैसे कि अगर सपोज करिए इसका वैल्यू आपको मिल गया है ये वैल्यू है बी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है बी तो यहां से आप मुझे बताइए कि अगर इसका वैल्यू बी है तो एक्स के पावर चार प्लस देखिए आपने देखा और वन था, इसका मैंने क्या? क्या? पावर को डबल किया दोगुना किया तो मैंने इसका लिया, इसका वर्ग लेकर माइनस टू किया जब इसके घात को मैं डबल कर रहा हूं यानी दो के जगह चार कर रहा हूं तो इसका भी क्या करना होगा बी का स्क्वायर लेना होगा और माइनस टू कर देना होगा अगर मैं इसको सी मान लू इस पूरे वैल्यू को यदि यहां सेक्स के घात आठ बटे एक्स के अगर निकालना आठ प्लस एक बटा के घात आठ ये का हमें दिया हुआ था अब मैं आता हूं एक्स माइनस वन फॉर्मेट में एक्स माइनस वन बाय के फॉर्मेट में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सपोज करिए इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू है भाई ए बी सी तो हमने यहां यूज कर लिया मान लेते इसका वैल्यू है इस चीज को मैंने बताया है आपको कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है और एबी का वैल्यू तो वन हो गया तो मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क् निकाल रहा हूं तो ये x माइनस वन बाय होगा और x माइनस वन बाय हमने क्या लिया है हमने लिया है d तो डी स्क्वायर प्लस का टू हो जाएगा यहां तक समझ में पार। अब देखिए यहां से जैसे ही आपने देखा कि एक बार ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्स वन बायस स्क्वायर इज इक्वल टू ई बन गया कितना बन गया इज इक्वल टू ई बन गया तो अब अगर आपको यहां से नीचे आना इसके बाद आपको आना है एक्स के पावर फोर प्लस वन के पावर फोर में तो अब यहां पर ई स्क्वायर माइनस टू नहीं होगा

नोट बना के रखिए ठीक है, है तो केवल और केवल जब वन दिया हुआ है, और तब आपको प्लस वन अब बढ़ते हैं आगे कुछ और फॉर्मुलेस देखते हैं एक्स से रिलेटेड ठीक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि आपको दिया है अब मैं आता हूं क्यूब्स के फॉर्मुलेज में क्यूब्स के फॉर्मुलेज में जैसे आपको दिया है कि एक्स प्लस वन का मान है ए और आपको क्या निकालना है आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस थ्री ठीक और वहीं अगर हमें दिया हुआ है किन बाई एक्स का मान जो है ये है बी और हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा बी क्यूब प्लस थ्री बी ठीक है तो उसके लिए जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस भी होता है और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस हमने क्या लिया एक्स लिया बी का मान हमने क्या लिया वन बायस लिया, लिया तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब चाहिए तो ये ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन बायस का होल क्यूब होगा माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी होगा और एबी का मतलब क्या होता है ए बी का मतलब तो वन होता है मतलब ये हो गया ए क्यूब माइनस थ्री ए क्लियर वैसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या एक्स क्यूब माइनस वन बाईस एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब यानी यहां पर ए माइनस बी को क्या लिया है, b लिया है तो बी क्यूब प्लस थ्री बी हो जाएगा क्योंकि का मान वन है ठीक तो इन्हीं फॉर्मुलेज में हमने क्या डाल दिया एक्स डाल दिया ए की जगह और वन बाय एक्स डाल दिया बी की जगह तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले को आप नोट डाउन करिए और पहला सवाल जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यहां पर पहला सवाल जो आपके इस लेक्चर का रहेगा देखिए एक्स प्लस वन बायक्स यहाँ पर क्या दिया एक्स प्लस वन बाय का वैल्यू तीन दिया और X cube plus 1 by X cube निकालने को कहा तो एक्स क्यूब प्लस वन करना होगा इसके लिए आपको क्या करना है डायरेक्टली इसका क्यूब कर देना है जो कि सत्ताइस माइनस थ्री इंटू थ्री करोगे तो नौ आ जाएगा मतलब अट्ठारह इसका उत्तर हो गया ठीक तो बताइए भाई कितने जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते हैं बस आपको समझना है कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो क्या है ठीक तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट बनाइए कि अगर एक्स प्लस वन बायस एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब ए क्यूब माइनस थ्री ए होता है यहां तक बातें समझ में आ गई चलिए अब मैं यहां से आपको ले चलता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मुले आपको नोट डाउन करने हैं जैसे कि देखिए हमने यहां पर एक चीज आपको नोट डाउन करा के रखा हुआ है कि अगर ए माइनस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी कैसे निकालना है और अगर ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए माइनस बी कैसे निकालना है तो इस चीज को आप यहां से नोट कर लीजिए कि सबसे पहली बात अगर यहां से हमें दिया हुआ था हमें क्या दिया हुआ था हमें दिया हुआ था ये फॉर्मूला ये तो क्यूब वाला हो गया ठीक इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब देखिए यदि मुझे दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाय मुझे निकालना है इसका ले वन एकस, मुझे चाहिए एक्स प्लस तो मैं क्या कर दूंगा बी का स्क्वायर ले लूंगा और प्लस का चार लेकर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई तो देखिए फिर से समझिए इसको यहां से इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने रीअरेंज कराया आपको मतलब ये फॉर्मूला नंबर चार था उसको मैंने रीअरेंज कराया क्योंकि इसमें ए प्लस बी है और ए माइनस बी बी है और फोर ए बी है और ए बी का वैल्यू तो वन होगा क्योंकि ए एक्स है बी वन बाई एक्स है तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो यह हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस चार ए बी मतलब अगर ए प्लस बी का मान केवल चाहिए तो यहां से स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये वाला स्क्वायर जो है ये यहां से हट जाएगा ठीक तो इसी चीज का हम यहां पर फायदा उठाएंगे कि अगर a- माइनस बी का वैल्यू है तो a+ प्लस बी कैसे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ a- माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का चार और अगर a+ प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास है हमको यहां पर a- माइनस बी का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे यहां पर माइनस का चार ए बी इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ठीक तो देखिए इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास निकालेंगे और वहीं अगर X 1 X है, जो ठीक तो अब देखिए यहां से अगर हमें दिया हुआ है अगला अगला चीज आप नोट डाउन करेंगे यहां से कि यदि हमारे पास कुछ वैल्यू है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बायस का वैल्यू दिया हुआ ए और मुझे चाहिए भाई x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू तो x प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस टू और अगर मुझे निकालना है यहां पर x माइनस वन बाय एक्स तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस टू ठीक अब ये कैसे हुआ तो इसके लिए भी जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला देखा, देखा है उसी चीज का आप यूज करेंगे देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या सीख के रखा है हमने ये देखा है तो यहां पर हमने यह देखा है कि अगर आप देख रहे हैं यहां पर ए प्लस बी होल है ये इसका वैल्यू ए स्क्वायर और अगर मुझे यहां से A plus B चाहिए, मुझे क्या चाहिए तरफ करके ऐसा स्क्वायर रूट लिख सकते है कि नहीं तो अगर ए प्लस बी चाहिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का स्क्वायर रूट और ए बी का वैल्यू वन होता है ए स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर है बी स्क्वायर का मान यहां पर जो है वो है वन बाय स्क्वायर तो इससे आप यहां से प्लस बी भी निकाल सकते हैं ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं कैसे तो यहां पर सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको X square plus one by X square A दिया हुआ है तो होगा ये चीज हायर पावर्स में भी होगा हायर पावर्स का मतलब क्या है तो ऐसा समझिए कि अगर मुझे वैल्यू दिया हुआ है X square, एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स या फिर ऐसा दिया हुआ है एक्स के पावर चार प्लस वन माइ एक्स की पावर चार दिया हुआ है जो कि है ए तो यहां से यदि मैं इसका आधा कर दू पावर का ठीक इसको मैं बी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ये बी मान लेते हैं इसको अगर मैं इसके पावर को आधा कर मतलब मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस टू और मुझे यही अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय स्क्वायर निकालना है तो मैंने क्या किया पावर आधा किया बीच में माइनस किया तो ये हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस का टू ठीक बी माइनस का टू इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए तो अगर यहां पर पावर सिक्स लगा हुआ है पावर सिक्स लगा हुआ है तो पावर क्यूब चाहिए प्लस में है तो बी प्लस टू करके रूट करिएगा माइनस में है तो माइनस करके यहां करके इसको माइनस करेंगे ठीक है ये कुछ और फॉर्मुले हो गए चलिए अब यहां से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप नोट डाउन करना चालू करेंगे सपोज पहला रिजल्ट है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद रखना है तो सबसे पहला रिजल्ट है कि जब एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू टू होता है तब एक्स इक्वल टू वन होता है

और यहां से अगर इसको देखा जाए तो ए माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है मतलब ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब एक्स माइनस वन बराबर जीरो है या एक्स बराबर वन है तो इतने सारे स्टेप्स करने की जगह डायरेक्टली आपको दिया हुआ है जब X plus 1 by X 2 है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करेंगे ठीक तो ऐसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स मैं अभी यहां पर लिख लेता हूं इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे पहला रिजल्ट मैंने बता दिया कि एक्स प्लस वन बायस क्या है टू है तो एक्स का मान वन होता है दूसरा रिजल्ट आप लिखेंगे x प्लस वन बाय एक्स जब माइनस टू होता है तो x का मान माइनस वन हो जाता है x का मान क्या होता है माइनस वन देखिए माइनस वन और माइनस वन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस टू आएगा कि नहीं आएगा ठीक तीसरा रिजल्ट आप लोग लिखेंगे जब x प्लस वन बायसल टू वन हो जाता है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू वन होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो होता है या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब का मान हो जाता है एक्स क्यूब बराबर हो जाता है माइनस वन दोनों में से कुछ भी सही है एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर माइनस वन ऐसा क्यों हो रहा है अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे संभव हो सकता है तो सिंपल सी बात है x one, x हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर अगर एलसीएम एक्स लोगे मतलब कि वैल्यू क्या आ रहा है तो वैल्यू आ रहा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो और अब आप मुझे बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए एक्स क्यूब प्लस वन को मैं एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब लिख सकता हूं और ये एक क्यूब प्लस वन की क्यूब के फॉर्मूले में यानी के फॉर्मूले में तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वन का जीरो है, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो गया? मतलब पूरा का पूरा एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब बराबर जीरो होता है ठीक तो इस चीज को आप रिजल्ट बना के रखिए कि जब भी आपको दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो हो जाता है ठीक तो नेक्स्ट रिजल्ट है कि जब का मान जो माइनस वन होता है ऐसे केस में क्या करेंगे ऐसे तो अगेन अनदर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो ये कुछ रिजल्ट्स आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि एक्स प्लस टू है तो एक्स मान वन आपको डाल देना है एक्स क्यूब एक्स प्लस वन माइनस टू आपको जीरो लेना है, या के आप माइनस वन डाल सकते हैं दोनों सही है एक्स प्लस वन बाइक्स का माइनस वन दिया है, तो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यूज करोगे एक्स क्यूब इक्व टू वन यूज करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से कुछ और रिजल्ट uh, बराबर जीरो कर देना है इसका रिजल्ट होता है। अब ऐसा है तो क्यों है देखिए इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है पहला आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाय जो है इक्वल टू प्लस और माइनस रूट थ्री दोनों में से कुछ भी है तो भी आपका यही रिजल्ट आता है कि के पावर सिक्स प्लस टू जीरो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं ठीक यानी कि इसको स्क्वायर कर दूं इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्स स्क्स स्क्सर होता है रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस टू होता है हमने देख लिया अभी तक तो, तो अब यही देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन बाय का वैल्यू है तो एक्सो स्क्वायर प्लस वन बाई स् हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस टू इसका स्क्वायर माइनस टू का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू वन है ठीक मतलब देखिए डायरेक्टली आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं इक्वल टू वन मतलब यहां पर यदि मैं आपको ये स्टेटमेंट दू या ये स्टेटमेंट दू दोनों स्टेटमेंट एक ही है क्योंकि अगर एक्स प्लस वन बायक्स का मान जो है प्लस और माइनस रूट्री होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब वन होता है ठीक दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो देखिए अगर आपको ये दिया है चाहे आपको ये दिया तो देखिए इसका रिजल्ट मैंने आपको अभी अभी तो लिखा है इसका रिजल्ट अभी भी लिखा है ना हमने अगर एक्स प्लस वन में एक्स वन होता है तो एक्स के घात तीन प्लस एक जीरो होता है इसके तहत आपने देखा कि एक्स के जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया तो आप पावर को क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब कर देंगे और एक्स स्क्वायर का क्यूब करने पर यही वैल्यू आएगा तो आप इस तरीके से इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं या फिर अगर दूसरा और एक तरीका जानना चाहते हैं तो ये भी समझिए कि हमने ये देख के रखा हुआ है कि हमारा पास अगर कोई एक्स प्लस वन बायस का मान हमें दे दे एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस होता है ए क्यूब माइनस ए या एक्स माइनस वन का मान दे दे हम एक्स माइनस वन b दे दे तो एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब का मान होता है बी क्यूब प्लस थ्री बी दोनों के तहत दोनों के तहत आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसे वैल्यूज को तो डायरेक्टली आप इसको अगर एक्स क्यूब प्लस वन बायस क्यूब निकालने जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई इसका क्यूब अगर मैं इसे प्लस लू चाहे माइनस लू उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रूट थ्री का होल क्यूब आप करेंगे और माइनस थ्री इंटू इसका फिर से रूट थ्री वैल्यू ले लेंगे तो ये भी तो थ्री रूट थ्री है ये भी थ्री रूट थ्री है मतलब कैंसल आउट होकर वैल्यू जीरो बन गया मतलब इसको अगर एलसीएम एक्स क्यूब ले लेंगे तो वैल्यू ऊपर क्या आएगा एक्स के बाद घात छः प्लस एक आएगा जिसका मान जीरो है करेक्ट मतलब डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स के घात छः प्लस एक जो है ये जीरो हो जाएगा यहां तक समझ में आ गया चलिए अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं यहां से अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि जितने भी रिजल्ट हमने अभी देखे हैं ठीक है ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एक्स प्लस के फॉर्मेट के लिए तो यहां से अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी हमने थ्योरी देखा थ्योरी मैंने धीरे धीरे करके समझाया थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है अब क्वेश्चन को हम कितने तेजी से सॉल्व कर सकते हैं देखिए मैं समझाऊंगा धीरे धीरे करके बट आपको धीरे से आपको स्पीड भी बढ़ाना होगा ठीक है तो चलिए समझिए यहां पर कैसे इसको सॉल्व करना है जब भी आपने देखा x के घाट चार प्लस वन बायस का मान दिया हुआ है है 194 194 तो x क्या दिया हुआ है? 194. तो आपको पहुंचना है भाई यहां तक अब देखिए यहां तक पहुंचने के लिए ये तो x है और यहां पर ऊपर पावर में चार लगा हुआ है तो आप यहां पर डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप ये जानते हैं कि वन में प्लस करने पर आता है वन और वन का स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वेर का इस फॉर्मूले को हमने देख के रखा है जैसे ही पावर आधा करोगे और प्लस से प्लस गया तो इस वैल्यू में प्लस टू करके स्क्वायर रूट करने पर वैल्यू डायरेक्टली निकल जाता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ना वन नाइनटी सिक्स मतलब कितना तो चौदह अब यहां से यदि मुझे x एक्स प्लस चाहिए तो आप देखेंगे कि मैंने यहां पर इसके पावर को आधा कर दिया और यहां चौदह है तो चौदह में दो जोड़ेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सोलह हो जाएगा सोलह का स्क्वायर रूट चार आ रहा है तो x प्लस वन बायस का मान कितना है चार है क्या आप एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि अगर एक्स प्लस वन बायस का वैल्यू चार है तो आप ऐसा इसको रीअरेंज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर फोर एक्स फोर एक्स दूसरे तरफ आएगा तो माइनस का फोर एक्स बन जाएगा ठीक है और इज इक्वल टू जीरो में लाना है तो यहां तो चार होना चाहिए था क्योंकि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर होता है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए भी आएगा जो कि माइनस फोर एक्स यहां तो ठीक था लेकिन ये चार होना चाहिए था लेकिन यहां पर एक है तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ थ्री जोड़ लेते हैं दोनों तरफ मैं थ्री जोड़ लेता हूं तो ये जो जीरो तो फोर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, तेजी से इस सब कैलकुलेशन को कर सकते हैं ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा मैंने जो स्टेप वाइज यहाँ पे किया वो क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हमने देखे थे अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे

X 1 X. क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? A B का होता है A B A B. होता यही और यहाँ पर X निकालना ही तो हमारा काम है एक बार ये निकल गया तो A, 1 निकालना बहुत आसान बात है तो अब आप बताइए कि जब आपके पास x माइनस वन वाइस दिया है तो x प्लस वन वाइक्स का मान कैसे निकालते हैं याद आ रहा है पांच का स्क्वायर और माइनस से प्लस में जाना है तो चार जोड़कर इसका स्क्वायर रूट निकालना है मतलब ये हो गया ट्वेंटी फाइव प्लस फोर करोगे तो ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर रूट आ जाएगा मतलब इसका वैल्यू है रूट ट्वेंटी नाइन तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई तो पांच अंडर रूट ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ठीक पांच अंडर रूट ट्वेंटी नाइन बात समझ में आई कैसे हमने सॉल्व किया इसको चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं यहां पर मैंने यहां पर क्या यूज किया है तो भाई यहां पर हमने यूज किया है कि अगर हमारे पास x एक्स प्लस है एक्स हुआ है और x माइनस वन बाय चाहिए तो ए स्क्वायर माइनस टू कर लेर करके स्क्वायर रूट लेना है और अगर x माइनस वन बायस जो कि यहां पर दिया हुआ था पांच है तो पांच का स्क्वायर प्लस चार करोगे तो x प्लस वन बायस इसके तहत मैंने उसको वहां पर पांच की जगह पर रूट ट्वेंटी नाइन लिखा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स प्लस दिया हुआ है बारह और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है सत्तावीस आपको निकालना है देखिए कैसे निकलेगा फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई अब आप बताइए कि x माइनस वाई तो नहीं दिया सवाल में आपको दिया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकालना कौन सी बड़ी बात है क्योंकि x माइनस वाई होता क्या है ये होता है भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x y का होल ठीक है और माइनस का चार एक्स वाई इसको तो हमने कई बार देख लिया तो x माइनस वाई का वैल्यू कैसे निकलता है इसका स्क्वायर यानी कि 144 फोर्टी फोर माइनस फोर इंटू इतना फोर इंटू इतना करोगे तो 108 सौ आठ माइनस में आएगा स्क्वायर रूट करो तो कितना आ रहा है थर्टी सिक्स आ रहा है थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट होता है छे मतलब एक्स माइनस वाई का वैल्यू छे यहां पर आपको एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको केवल पेन इतना ही चलाना है और ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में चलना चाहिए ये मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखा है सेम चीज यहां पर ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखा है क्योंकि शुरुआती तौर पे यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको जब प्रैक्टिस सेशंस आएंगे आगे वहां पे मैं ये सारी चीजें फिर से ऐसा लिख कर नहीं समझाऊंगा जैसा आपको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए उसी प्रकार में आपको वहां पर सोल्यूशन करवा के दूंगा लेकिन अभी यहां पर आप लोग सीख रहे हैं ठीक है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि तीन चार बार प्रिपरेशन करके बैठे होंगे तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्रैक्टिस सेशन जब आएगा वहां पे आपको मैं तेजी से सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं वो सब वहां मैं नहीं लिखूंगा यहाँ क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको चीजें समझा रहा हूँ ठीक है चलिए एक्स माइनस का होल क्यूब है तो एक्स माइनस वाई निकल गया तो छह का क्यूब आएगा यहाँ पे प्लस थ्री एक्स वाई का मान कितना है तो सत्तावीस है और यहां पर फिर से छ आ जाएगा ठीक है तो बताइए भाई कितना आ गया हो गया दो सौ सोलह 216 सो प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एटी वन में इतना मल्टीप्लाई करोगे तो 486 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर 6 प्लस छह 6, और 1 प्लस एक प्लस आठ दस और यहां पर 1 प्लस दो प्लस चार सात हो गया तो 702 का मान निकल रहा है 702 का तो डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर यहाँ तक बातें समझ में आ गई चलिए अगला सवाल देखते हैं A प्लस वन बाय का मान तीन तो ए के घात चार प्लस वन बाय चार का मान क्या है सिंपल अगर ए स्क्वायर प्लस पहले तो आपको क्या निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस होगा क्या होता है ये नौ माइनस टू होता है, है करोगे सात आएगा यहां से आपको एक एक घात चार प्लस वन बाय एक एक चार निकालना है तो बताइए भैया सात आ गया सात का स्क्वायर ले लीजिए माइनस टू करेंगे तो फोर्टी नाइन माइनस टू यानी फोर्टी सेवन इसका वैल्यू हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ठीक डायरेक्टली पहले आपको ए प्लस तो का मान इसका 2, 47 हो यहां तक समझ में आ गई बात चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स के घात चार माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो है तो एक्स की घात छ माइनस पांच एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्पर छ प्लस पांच का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है अब देखिए यहां से धीरे धीरे करके पैटर्न को तोड़ बना के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं सारे मैं कवर कराऊंगा इस एक्सप्रेशन को देखिए क्या दिया हुआ है एक्स के घात चार माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो अब इसको यदि मैं पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं देखिए कुछ चीजें जो है वो माइंड में कैलकुलेट होने चाहिए जो मैं अभी यहां लिख रहा हूं ये आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए जैसे कि देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर Minus minus ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते है? समझ में आया यहां पे क्या हुआ मैंने क्या किया है यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के स्क्वायर से इसको तोड़ दिया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स के घात छे है और यहां एक्स के घात छे ऊपर एक्स स्क्वायर है मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर के फॉर्मेट में आना चाहिए और अगर इसमें X square minus one by X square के फॉर्मेट में लाना है, तो आपको समझना होगा अगर X के के दिख दिख रहा है, X square दिख रहा है, है, मतलब मतलब इसको पूरे के पूरे वैल्यू वैल्यू को X square से डिवाइड करना होगा। मतलब इससे क्या मिल गया? X square minus one by X square का आ गया छे। यहां तक अब देखिए, पर आप देख रहे हैं मतलब X के X के को हमें तो करना ही है

तीन गुना कर दिया पावर को तीन गुना करना मतलब इसका आपने घन निकाल दिया और घन निकालने पर हमने ये है कि इसका प्लस हो जाता है क्योंकि तो, 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 आएगा। आएगा? तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गए एक्स के घाट माइनस एक्स के घात छे का एक्स स्क्वाइनस वन बाय स्क्वा दोनों आ गया देते हैं तो ये बन जाएगा भाई दो सौ चौतीस टू थर्टी फोर माइनस पांच इंटू छ माइनस पांच इंटू छोगे तो तीस माइनस हो जाएगा प्लस पांच हो गया मतलब तीस माइनस करोगे दो सौ चार और प्लस पांच करोगे तो दो सौ नौ आ जाएगा यह सही उत्तर है सवाल का टू हंड्रेड नाइन समझ में आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है पहले आप इसको तोड़ मरोड़ के उस फॉर्मेट में लाइए और ये भी आपको समझना होगा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन देखकर कि ये कौन सा फॉर्मेट है एलजेब्रा का और इस फॉर्मेट में लाना है तो कैसे लाना है ठीक है अगला सवाल देखेंगे, next question देखते हैं, से दिया हुआ है, x plus one by a, a by x one है, है का, का का मान तो तो आपको निकालना अगर आप इसको सॉल्व करने जाए तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था और यहाँ ए है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन बाय माइनस एक्स स्क्वायर अब देखिए हम इसको यूज कैसे करें इस चीज को अगर यहां पर आप एक्सप्रेशन को देखें तो एक्स स्क्स प्लस ए दिया हुआ है बटा में क्या है तो बटा में एक्स क्यूब माइनस मेरे पास जो वैल्यू यहां पर है उन वैल्यूज से कैसे हम यहां तक पहुंचे देखिए क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है हमको दिया था भाई कि एक्स प्लस वन बाय एक्स एक्स प्लस ए बायस मान दिया हुआ था एक। क्या आपको यहां पे कहीं दिखा एक्स प्लस वन ए बायस नहीं दिखा ठीक तो दूसरी चीज मुझे जो दिख रही है वो यहां पर यह दिख रही है कि अगर मैं सॉल्व करूं स्क्स ए बराबर क्योंकि सॉल्व करेंगे नीचे आएगा। प्लस ए होगा, चला जिसको करके ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वाइनस एक्स बराबर माइनस ए है तो एक ये चीज हमारे पास है ठीक तो अगर मैं यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए यदि मैं इसे पूरे को एक्स से डिवाइड कर दू किससे डिवाइड कर दू एक्स से डिवाइड कर दू तो यहां पर भी एक्स से डिवाइड यहां पर भी एक्स से डिवाइड यहां से भी X से तो यहां से भी एक्स से डिवाइड होगा तो इससे होगा ये कि ये जो वैल्यू है इसको काटेगा एक्स को ये जो वैल्यू है इसको बना देगा वन और ये ए, ए हो गया। यहां से जो एक्स है ये दोनों एक्सेस को काटेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्सर बन जाएगा और हुआ एक बन गया एक्स प्लस A यहां पर देख पा रहे हैं आप ये एक्स है ठीक और ये ए बाय तो प्लस ए बाय का मान क्या है इसका मान वन है मतलब इसके जगह न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूं वन प्लस वन वन प्लस वन जो कि हो जाएगा टू न्यूमरेटर बन गया टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क् माइनस एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान है माइनस का ए तो दो बटा माइनस ए या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस टू बाई ए तो चौकन्ना रहना है और आपकी आंखें जो है वो बहुत तेजी से दौड़नी चाहिए कि किस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को अपने इस एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लाए क्योंकि आप जब उसको पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पर एक्स प्लस ए बाई एक्स के फॉर्मेट में भी इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं

थ्री माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो कैसे आया तो आप लोग कहेंगे सर यहां पर एक्स से डिवाइड किया गया तो ये क्या है भाई इसका वैल्यू है एक्स माइनस वन पास इनडायरेक्टली दिया हुआ है फाइंड क्या करना है तो फाइंड करना है ये जो है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस वन ठीक है और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय हो जाएगा क्योंकि एक्स के हाथ माइनस वन, है।, ये वन होता है और इस पूरे के पूरे फैक्टर में भी माइनस वन था तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अब सबसे पहली बात आप समझिए यहां पर कि यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है यहां माइनस वन है तो मुझे एक्स माइनस वन बाय एक्स लाने के लिए एक बार एक्स से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना होगा तो मैं क्या करता हूं यहां पर भी एक्स से डिवाइड कर लेता हूं यहां पर भी एक्स से डिवाइड कर लेता हूं जैसे एक्स से डिवाइड करोगे तो ये वाला एक्स स्क्वायर था एक्स बन जाएगा प्लस का एट है, का है ये और माइनस हो गया ठीक तो ये तो आपका एक्स माइनस वन मिल गया। इसको रीअरेंज करोगे तो बनेगा एक्स स्क्स करेक्ट अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूं आठ को आगे भेज के और माइनस एक्स को पीछे भेज के देखिए मतलब एक्स माइनस वन बायस तो ठीक है और प्लस का एट यहां पर दिया हुआ इस तरीके से तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान आप लोग जानते हैं यहां पर इसका मान हमारे पास है जो कि है थ्री प्लस एट क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बायस स्क्वायर का मान हमने ये कई बार देख लिया अगर एक्स माइनस वन बायस का मान थ्री है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर का मान हो जाएगा थ्री का स्क्वायर यानी नाइन प्लस टू जो कि हो जाएगा ग्यारह मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका मान ग्यारह है तो तीन प्लस आठ भी ग्यारह हुआ और नीचे भी ग्यारह हुआ दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन ठीक तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है यहां तक समझ में आ गई बातें चलिए अगला सवाल देखते हैं छ के का मतलब क्या होगा तो अगर मुझे X cube plus 1 by X cube चाहिए तो कहीं से भी मुझे एक्स प्लस वन तक पहले पहुंचना होगा कहां तक पहुंचना होगा अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाय क्यूब चाहिए तो एक्स प्लस वन तक पहले मुझे पहुंचना होगा इसके लिए आपके जो एक्सप्रेशन दिया उसको देखिए यहां पर सिक्स एक्स ऊपर है और टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू नीचे है मैं क्या करूंगा इसका व्युतक्रम ले लेता हूं इस पूरे का व्युतक्रम ले लेते हैं तो ऊपर भी राइट हैंड साइड भी व्युतक्रम हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ अगर इक्वल टू है तो दोनों तरफ व्यूतक्रम लेकर इसको इक्वेट कर सकते हैं जैसे ही मैं इसको व्यूतक्रम लू तो ये वैल्यू बन जाएगा टू एक्स स्क्वा प्लस फाइव एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स ऐसा ही आएगा और यहां पर वन के घात माइनस वन करो तो भी वन ही आता है इसमें से ये जो छे था इस छे को मैं दूसरे तरफ भेज देता हूं तो ये जो वन है ये बन जाएगा सिक्स अब इस x से तीनों को बांट देते तो तो बन बन जाएगा 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 ठीक है है प्लस का ये पांच बन जाएगा, और टू एक्स हो जाएगा. तो ये और हो जो दूसरे तरफ जाएगा तो वन बनेगा तो टू को कॉमन लिया जाए तो एक्स माइनस वन बाय आ रहा है ठीक और ये छे पांच उधर जाएगा तो वन बन जाएगा करेक्ट यहां तक समझ में आ गई बात है तो एक्स माइनस वन बाय का मान जो है ये अगर टू दूसरे तरफ भेजा जाए तो बन जाएगा मान क्या होता है ये हो जाएगा इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा एक चौथाई प्लस चार का अंडर रूट जो कि क्या होगा चार चार इंटू चार हो जाएगा सोलह प्लस एक करोगे तो सत्रह बटे चार होगा बटे चार का स्क्वायर रूट अब देखिए जैसे आपके पास एक्स प्लस बटे तो दो है इसका क्यूब निकालना होगा मतलब सत्रह रूट सत्रह बटा दो का क्यूब तो आठ होता है माइनस तीन इंटू यही वाला वैल्यू क्योंकि एक्स प्लस वन बायक्स दिया हुआ तो तीन इंटू यही वाला वैल्यू होगा यानी रूट सत्रह ठीक है बटा दो तो इसका LCM यहाँ पर हो जाएगा आठ चार दूसरे तरफ जाएगा तो बारा, बारा में ठीक तो तो है ठीक तो के के है थीके? जहां पर डायरेक्टली नहीं दिया था एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब तो पहले आपको एक्स माइनस वन बायस मिला वहां से और एक्स प्लस वन बायस से आप एक्स क्यूब प्लस वन बायस्यूब निकाल सकते तो सारी चीजें कनेक्टेड कितने जल्दी आप फॉर्मुले को याद करके इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन पे ये पूरी प्रैक्टिस की बात है ठीक है तो ये आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाना होगा एक्स प्लस वन मा एक्स के फॉर्मेट में मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया कि तीन सवाल आपके अल्जेवरा में आते हैं जिसमें से एक ये वाला जो है एक्स प्लस वन माइक्स वाला फॉर्मेट ये फिक्स्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है एक सवाल आपका एक्स प्लस वन मा एक्स के फॉर्मेट में बनता है ठीक चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके सब, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि अगर जो भी यहाँ पर हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो और थोड़ा अच्छा रहे ठीक है चलिए यहां से दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक बराबर जीरो है अब आपको निकालना क्या है तो एट एक्स क्यूब प्लस वन बाय एट एक्स क्यूब निकालना है अब एट एक्स और वन बाय एक्स एट एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आपको निकालने को कहा गया तो आप खुद बताइए ये क्या है ये का होल क्यूब प्लस वन बाय का होल क्यूब है कि नहीं मतलब मेरे पास अगर टू एक्स प्लस वन बाय एक्स क्यूब का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से हम टू एक्स प्लस वन बाय टू एक्स निकालने की कोशिश करें आप लोग देख रहे हैं ये टू एक्स का स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा इस पूरे एक्सप्रेशन को टू एक्स से बांट दूंगा जैसे से आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं ये जो थ्री है दूसरे तरफ चला जाएगा तो टू एक्स प्लस वन बाय टू एक्स का वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि थ्री है बल्कि क्या है थ्री यहां तक समझ में आ गया अब एट एक्स क्यूब प्लस वन बाईट एक्स क्यूब निकालना है तो क्या करना होगा आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या किया इसके पावर में तीन चढ़ा दिया इसके पावर में तीन चढ़ाने का मतलब इसका क्यूब कर लीजिए सत्तावीस माइनस थ्री इंटू इतना कर 9, तो ये बन जाएगा कितना अठारह तो अट्ठारह मतलब सी जो है सवाल का सही उत्तर होगा क्लियर यहां तक समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वन बायस रूट पांच है एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब क्या निकाल क्या है आपको बताना है देखिए मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं एक्स प्लस वन एक्स कभी भी इस फॉर्मेट में दिया है तो डायरेक्टली क्या करेंगे 5 को तो क्या होगा टू आएगा तो हो क्योंकि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा पहले आप इसको समझिए बेसिक तरीके से मैंने आपको क्या बताया है अगर एक्स क्यूब प्लस वन बायस क्यूब निकालना है तो क्या करना होता है इसका आपको क्यूब लेना होता है यानी रूट पांच का क्यूब लेना होगा और माइनस थ्री रूट फाइव फिर से करना होगा मतलब ये हो जाएगा भाई पांच रूट पांच होगा कि नहीं पांच रूट पांच और ये जो वैल्यू है, मतलब तो है, है मतलब ये कितना टू रूट पांच हो जाता है तो जब भी आपने देखा यहां पर रूट है यहां प्लस है तो इसका क्यूब निकालोगे तो क्या करोगे पांच में माइनस तीन करके आगे दो लिख दोगे और रूट पांच लिख दोगे टू रूट फाइव इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगर यहां पर इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी आप लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लिखा देता हूं आप इसको नोट कर लीजिए ठीक जब भी हमें दिया हुआ है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इस तरीके के फॉर्मेट में है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का मान हो जाता है भाई a माइनस थ्री अंडर रूट ए ठीक वही अगर हमें दिया हुआ है कि x माइनस वन बाय एक्स का मान जो है इसका वैल्यू है रूट बी। और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब तो अब इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा हो जाएगा और आगे हो जाएगा रूट का बी और आगे हो जाएगा रूट का बी, बी प्लस और आगे हो जाएगा रूट बी क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं यहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बायस स्क्वायर निकालना है आपको एक्स माइनस फाइव रूट एक्स माइनस ऑफ वन का वैल्यू दिया हुआ जीरो तो देखिए अब यहां पर सबसे पहली बात इस तरीके के फॉर्मेट में एक बैलेंस होता है ऊपर जो पावर नीचे वो पावर है तो इस तरीके का बैलेंस की कोशिश करूंगा यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैं रूट एक्स से डिवाइड कर देता हूं यानी कि स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड करने पर यह रूट एक्स बन जाएगा और ये माइनस का पांच रह जाएगा क्योंकि रूट एक्स रूट एक्स कट गया और माइनस वन बाय एक्स आएगा इक्वल टू कितना तो जीरो यहां से रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का मान हम जो देख रहे हैं ये कितना आया तो पांच आया क्लियर अब आप क्या करेंगे इसका दुगना करेंगे इसका दुगना करने का मतलब x, plus by x और अब अब तक तो आप जान ही चुके होंगे जैसे ही दुगना होता है तो यहां पर जब माइनस से प्लस हम जाते हैं तो पच्चीस यानी पांच का स्क्वायर प्लस टू हो जाता है जो कि है ट्वेंटी सेवन ठीक इसको यदि मैं एक बार और स्क्वायर करूं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर जो कि क्या होगा तो सेवन ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर होता है सेवन ट्वेंटी नाइन और माइनस का दो हो जाएगा तो बन जाएगा सेवन ट्वेंटी सेवन सेवन ट्वेंटी सेवन सी जो है सवाल का सही उत्तर यहां तक बात समझ में आ गई चलिए अगला सवाल देखते हैं यहां ए प्लस बी बराबर छह ए बी बराबर सोलह बटा तीन फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस वन बायूब ए प्लस बी छ है और ए बी का मान है सोलह बटा तीन तो ए क्यूब प्लस बीक्यूब का मान क्या है यह हमें बताना है देखिए अब यहां से सिंपल सी बात है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है इसका फॉर्मूला हमने कई बार देख लिया एक बार और देख लीजिए ये होता माइनस ऑफ थ्री ए बी माइनस ऑफ थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ये फॉर्मूला हमने कई बार देख लिया अब इसको बार बार लिखने का एक मकसद ये भी है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं आपको ये बार बार फॉर्मूलेज जो है याद हो जाने चाहिए एग्जाम में आपको ये फॉर्मूलेज लिखने नहीं है ठीक है इस चीज का भी ध्यान रखिए ये मैंने लिखा है ताकि आपको ये चीज बार बार याद हो ठीक प्रैक्टिस सेशन में मैं ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा अब देखिए प्लस बी का होल क्यूब जो है ये हो जाएगा छह का क्यूब जो कि है दो सौ सो सोलह माइनस थ्री ए बी मतलब थ्री ए बी का मतलब है सोलह बटा तीन ठीक और ए प्लस बी का वैल्यू तो छे है तो ये छह और ये छे, तीन और तीन कट गया ये हो जाएगा दो सौ सो सोलह माइनस ऑफ छियानबे तो छह से काटोगे दो सौ दस दो सो दस माइनस नब्बे करोगे तो एक सौ बीस आ जाएगा क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रूट एक्स माइनस वन बाय रूट छक्टर का मान आपको निकालना है। तो है है? है तो सिंपल भाई से X plus by X पहले निकाल लेते। X plus by X का मान क्या होता है? X plus by X होता है, इसका square, यानि कि छ हो जाएगा और जब माइनस से आप प्लस आते हो तो प्लस का टू होता है जो कि हो जाएगा आठ एक बार और जब स्क्वायर करना है मतलब इसका पावर दुगना करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या होता है इसका स्क्वायर लेना होगा इसका स्क्वायर मतलब कितना चौसठ और जब प्लस से प्लस में जाते हैं तो माइनस का टू होता है आगे मतलब जो इस सवाल का सही उत्तर है क्लियर चलिए इसी तेजी के साथ आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ठीक तो जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और इसी तरीके से आपको एग्जाम में एक्स प्लस वन के क्वेश्चन को उड़ाना है ठीक है चलिए रूट एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू सात है तो रूट सात है तो एक्स क्यूब प्लस क्या होगा इसके लिए पहले आपको क्या चाहिए आपको चाहिए पहले एक्स प्लस वन बायस अगर ये रूट एक्स प्लस वन बायट एक्स रूट सात है तो इसका मैंने क्या किया स्क्वायर किया प्लस से प्लस आने पर रूट सात का स्क्वायर करोगे तो सात आएगा और माइनस का टू करोगे मतलब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हो गया पांच ठीक है

और क्योंकि माइनस से प्लस में आ रहे हो तो प्लस का टू होगा मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा दस ठीक अब अगर एक्स प्लस वन इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या होगा ये हो जाएगा दस का स्क्वायर दस का स्क्वायर होता है सौ माइनस का टू जो कि हो जाएगा नाइनटी एट जो कितना हो जाएगा नाइनटी एट हो ठीक ये सवाल का सी उत्तर है बात समझ में आ रही है यहां पर चलिए आगे बढ़ेंगे अब देखिए एक्स प्लस वन प्लस वन क्यूब क्या हो जाएगा सवाल देखते साथ एक सौ दस को मार्क करिए क्योंकि अभी अभी हमने देखा ये चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको याद कर लीजिए कई बार पूछा है एस एस सी में इसलिए मैंने एक्स प्लस वन बायस इक्वल टू पांच को एक बार और आपको यहाँ पर करवा दिया कई बार पूछा हुआ है एक्स प्लस वन बायस पांच है एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब क्या होगा एक सौ दस होगा ठीक है और बार बार पता नहीं एस एस सी को क्या होता है कि ये हर बार यहाँ पर एक्स प्लस वन बायस इक्वल टू पांच में सवाल पूछता है X, A A two, अब यहां से आते हैं इस फॉर्मेट में कब होता होता है जब A होता है जब अब सवाल में चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले वहां पे ए में क्या डाल देना माइनस वन डाल देना यहां माइनस वन के घात क्या है तो एक हजार है माइनस वन के घात एक हजार प्लस वन बाय माइनस वन के घाट क्या है तो एक बार फिर से एक हजार है लेकिन ऑड वाले में माइनस वन आएगा तो वन माइनस वन करने पर जीरो उत्तर होता है कभी कभी जो होता है दोनों में तो यहां पर ऑड नंबर दे देगा यानी कि पावर में विषम संख्या दे देगा तो ये भी माइनस वन और वो भी माइनस वन तो ऐसे केस में माइनस टू उत्तर होता है तो चौकन्ना रहिए इस तरह के पैटर्न के सवाल में तीन सवाल बनते हैं एक सवाल में आपका माइनस वन के घात में इवन नंबर प्लस माइनस वन के घात में इवन नंबर देगा तो इस केस में आपका उत्तर जो है ये हो जाएगा टू ठीक है जैसे इस सवाल में हुआ किसी किसी प्रश्न में माइनस वन के घात एक बार इवन नंबर देगा और माइनस वन के घात में एक बार ऑड नंबर देगा ऐसे वाले केस में क्या होगा उत्तर जीरो हो जाएगा किसी किसी केस में आपका माइनस के घात ऑड नंबर और प्लस माइनस वन के घात में एक बार और नंबर देगा तो माइनस वन माइनस वन होता है माइनस टू क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई तीनों से आप हो रही है, है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा के यहां पर देखना कि यहां क्या दिया है प्रश्न जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्स एक्स क्यूब प्लस क्या है

एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब हो जाएगा दस का क्यूब माइनस का थ्री इंटू दस मतलब कि एक हजार माइनस तीस जो कि हो जाएगा नौ सौ सत्तर नौ सौ सत्तर ठीक है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक समझ में आ गया चलिए बढ़ते हैं आगे एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर तीन है तो आपको बताना है कि एक्स की घात छ प्लस वन बायक्स घात छ क्या होगा तो अगर मुझे x की घात छ प्लस वन बाई एक्स घात छह चाहिए तो पहले तो आप देखिए एक्स स्क्वायर इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं प्लस वन बाय एक्स बराबर यहां पर सॉल्व तो करने की जरूरत है क्या इसके बाद सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है आप कहेंगे नहीं इसका मान हो जाएगा एक सौ दस क्योंकि देखिए भाई एक्स वन बाय एक्स स्क् पांच है और एस कई बार ये पूछ चुका है अब बताइए के के बाद घात घात होगा तो क्या होगा आपने जस्ट पावर को तीन गुना किया जाएगा एक सौ दस क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे यहां से अब ये जो है यहां से आपको जो सवाल है ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है बट ये कैलकुलेटिव नहीं ठीक समझिए हाँ, हुआ एक्सर प्लस एक बटा रूट पांच प्लस एक कैलकुलेटिव लग रहा है सर्च एंड का सवाल जैसा है लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा जैसे कि सपोज करिए कैसे मैंने देखा यहां पर एक्स वाई है तो मैं इसको टू एक्स वाई कर दूंगा और माइनस एक्स वाई अपने मर्जी से यहां जोड़ दूंगा मैंने देखा यहां माइनस टू एक्स वाई तो इसको माइनस टू एक्स वाई करके अपने मर्जी से एक्स वाई यहां पर जोड़ दूंगा इससे फायदा यह हो जाएगा कि न्यूमरेटर में बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ठीक है माइनस एक्स वाई डिनोमिनेटर में बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई इस तरीके से ठीक अब एक्स वाई है तो क्या है

डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय इन दोनों को जोड़िए मतलब देखिए डिनोमिनेटर में A B A B है, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पांच माइनस एक और ऊपर इसको यहां से यहां भेज दोगे तो रूट पांच प्लस एक होगा इसका होल स्क्वायर प्लस रूट पांच माइनस एक का होल स्क्वायर ठीक है यही आ रहा है तो देखिए ये जो है थोड़ा सा आप यहां से समझिए कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तो इसका वैल्यू हो जाता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू इंटू ए स्क्वायर हो गया पांच पांच में एक जोड़ोगे तो छह आएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो तो पांच माइनस एक यानी चार आ रहा है मतलब दो से दो कट गया तो ये हो जाएगा दो और दो इसको काटेगा तीन बार मतलब एक्स प्लस वाई का जो मान है वो है तीन मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है थ्री स्क्वायर माइनस एक डिनोमिनेटर की यदि मैं बात करूं तो एक्स माइनस वाई होगा जैसे एक्स देखा मैंने तो इसका मतलब यह है कि इसके जगह पे बस जो है माइनस हो जाएगा बाकी सारी चीजें सेम होगी इसके जगह पे बस माइनस हो जाएगा तो बताइए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट पांच माइनस एक का होल स्क्वायर बनेगा और यह है ए प्लस भी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस भी होल स्क्वायर इसका मान होता है फोर ए बी फोर ए बी मतलब चार इंटू रूट पांच इंटू रूट एक मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है तो रूट पांच आ रहा है अगर x- -Y root 5 है, तो तो का होगा, तो आएगा, मतलब मतलब उत्तर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर तो ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन उस कैलकुलेशन को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना ज्यादा आप माइंड में इन सारी कैलकुलेशंस को करें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छे कुछ चीजों को मैंने यहां पर अगेन ये सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखा है इसको आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है जितना ज्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आपका जो है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा उतना ही कम समय में आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे जब भी एक्स प्लस वन बाय एक्स रूट थ्री होता है तो मैंने आपको रिजल्ट बताया है क्या होता है कि एक्स प्लस एक्स के घात छ प्लस एक जो है इसका मान जीरो होता है एक्स के घात छ प्लस एक का मान जीरो होता है इस रिजल्ट को आपने नोट डाउन किया है ठीक अगर आपने ये रिजल्ट को नोट डाउन किया है तो इससे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए यहां पर दिया है तो क्या दिया है एक्स के घात अट्ठारह और एक्स के घात बारह इसमें से यदि मैं एक्स के घात बारह को कॉमन निकालू तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स के घात छे एक्स के घाट छ अगला दो वैल्यू क्या है तो एक्स के घात छह प्लस एक है मतलब अगर इसका मान ही आपसे पूछ रहा है तो आपको समझना है कि ये भी जीरो होता है ये भी जीरो है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा जीरो आ जाएगा इसका मान जो है वो क्या है जीरो है तो रिजल्ट डायरेक्टली बताया जाएगा जीरो नेक्स्ट देखिए एक्स बाय तीन प्लस तीन बाय वन है तो आपको बताना है एक्स क्यूब का मान क्या होगा एक्स बाय तीन प्लस वन बाय थ्री बायर अगर वन है तो एक्स क्यूब का मान क्या है ये आपको बताना है देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक रिजल्ट बता के रखा है कि एक्स प्लस का जब होता है तो x मैं क्या करूंगा यहां पर मान लेता हूं मैं एक्स बाय तीन जो है इसको वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के ये भी तो एक वेरिएबल ही मतलब आपको क्या दिया है वाई प्लस वन बाय वाई जो है इसका मान वन है यही दिया हुआ है तो आपको यहां से क्या समझना होगा कि वाई क्यूब प्लस वन बराबर है डालूंगा तो एक्स क्यूब बटा ट्वेंटी सेवन आएगा जिसका मान क्या है तो माइनस वन तो एक्स क्यूब बराबर माइनस ट्वेंटी सेवन आ जाएगा डी जो है सवाल का सही उत्तर है क्लियर चलिए

आगे भी आपके प्रश्न इस तरीके के बन सकते हैं एक्स प्लस वन के में। कैसे हुआ? ये समझ लेते है थोड़ा सा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक तो फॉर्मूला लगाइए भाई क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है टू इंटू ए स्क्वायर क्यूब बी क्यूब जाइए निकालोगे तो A के घात प्लस बी के घात प्लस यहाँ जाएगा स्क्वायर ठीक है और ब्रैकेट में आ जाता है, यही है दोनों का यदि इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पहले ए के घात दोनों कट जाएंगे यहां से एक के प्लस B के घात छ से दोनों दोनों कट गए अब जो बा, बाकी बचा हुआ वैल्यू है वो क्या है आप लोग देख रहे हैं यहां पर ए स्क्वायर बी है यहाँ ए क्यूब बी क्यूब है तो ए क्यूब और के बी कट जाएंगे ऐसा होगा कि नहीं अब देखिए इसको बस रीअरेंज करना है इस तीन को उठा के मैं दूसरे तरफ भेज दूं तो आ जाएगा टू बाय थ्री क्लियर है तो जब भी कभी आपको इस तरीके का प्रश्न मिल जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर बराबर का होल क्यूब तो डायरेक्टली B B साथ B B तो भी रिवर्स भी सही है, कि A B का है A B का तो सवाल ऐसा भी दे सकता है कि ये आपको कंडीशन में दे दे और चार ऑप्शन में चार इक्वेशन दे दे जिसमें से एक इक्वेशन ये हो उसके आप इसको टिक करेंगे स्क्वायर जब है अंदर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब के बराबर होगा कब

इस तरीके का कुछ कुछ यूज करना होता है ठीक तो यहां पर आपको ए का मान और बी का मान निकालने को नहीं कहा गया आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है का होल हो जाएगा, का होल बढ़ते हैं आगे तो इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर टू बाय थ्री है ये मैंने आपको बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स पांच है तो आपको बताना है इनमें से जो वैल्यू दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा तो देखिए आप हमेशा सिमेट्री देखिए सिमेट्री कैसे तो ऊपर जो वैल्यू है वही नीचे वैल्यू होना चाहिए लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर चार है यहां पर एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क् वन है यहाँ एक्स नीचे भी यहां x पार चार और एक्स है मतलब वन है तो मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे दोनों में एक्स स्क्वायर यहां पर भी और इस वाले में भी एक्स स्क्वायर से बांट दूंगा इससे होगा कि ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा अगला वाला वैल्यू जो थ्री एक्स क्यूब है यह थ्री एक्स बन जाएगा प्लस, नीचे के आ रहा है। तो X2 प्लस 1 इसको थोड़ा सा बस रिअरेंज करिए एक्स स्क्वायर आगे है और यहाँ एक्स स्क्वायर पीछे है। तो क्या मैं इसको रियरेंज करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं प्लस इन दोनों में यदि देखा जाए तो थ्री को मैं कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वन एकस, करेक्ट। और ये जो वैल्यू है ये पांच है तो ये पांच को अलग लिख तो मैंने बस रीअरेंज किया इसको करने का मकसद यही है कि आप देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास दो ही वैल्यू हमें चाहिए एक एक्स प्लस वन बायस जो कि दिया हुआ है दूसरा वैल्यू क्या चाहिए तो आप कहोगे सर दूसरा वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन बायस स्क्वायर जो हम निकाल सकते हैं अगर एक्स प्लस वन बायस पता है एक्स स्क्स वन बायसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन बायस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा हो जाता पच्चीस माइनस दो मतलब हो जाएगा तेवीस ट्वेंटी पंद्रह प्लस पांच और बटे में यहां ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा ट्वेंटी थ्री वाला ऑप्शन दिख रहा है दो ऑप्शन है तो दोनों में फंस जाओगे पूरा करना ही पड़ेगा तो बीस प्लस तेवीस मतलब 43, 23, जो है, ये वाला उत्तर सही है ए वाला ठीक चलिए यहां तक समझ में आ गई बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर दिया हुआ है x प्लस वन बराबर रूट थ्री है तो x के घात सत्रह प्लस वन सत्रह क्या है x प्लस वन बराबर रूट थ्री है तो रिजल्ट क्या सीखा हमने x प्लस वन बायस जब रूट थ्री है तो रिजल्ट हमने सीख क्या रखा हुआ है कि एक्स के घात छह प्लस वन बराबर जीरो होता है या आप ऐसा भी समझिए कि एक्स के घात छह जो है ये माइनस वन हो जाता है करेक्ट अब आपको जो पूछा गया वो एक्स के घात क्या है सत्रह है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए एक्स के घाट सत्रह जो है आप यहां पर छे का मल्टीपल देखिए यहां पर इसको 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा एक्स के घाट अठारह डिवाइडेड x प्लस यहां पर भी ऊपर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स के घात अट्ठारह यही होगा करेक्ट

तो ये निकाल के आप लिख सकते हैं क्या तो एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दिया हुआ है ना सवाल में रूट थ्री दिया हुआ है तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का रूट थ्री हो जाएगा ठीक है तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है यहां तक समझ में आ गई बातें तो इस चीज के रिजल्ट को आपको यूज करना है ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिजल्ट के तहत अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं एक सवाल मैंने बताया था जिसका आंसर आ रहा था एक सवाल ये वाला भी बनता है ऊपर नीचे वैल्यूज जो है है के के मल्टीपल आसपास प्लस माइनस में दिया जाता चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यहां पर दिया हुआ है टू एक्स प्लस वन बाय थ्री एक्स बराबर पांच है सोलह एक्स स्क्वायर प्लस चार बटा नाइन एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है देखिए अब यहां तक अभी हमने जितने भी सवाल देखे थे उसमें आपने देखा था एक सिमेट्रिसिटी थी जब मैं सिमेट्रिसिटी कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि ऊपर जो वैल्यू वही वैल्यू नीचे है ऐसे केस में क्या होता था कि जब ए को हम लेते थे एक्स और बी को जब हम लेते थे वन बाय तो ए बी वाला जो टर्म होता था वो हो जाता था वन लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा गौर से दे, देखें तो ए का मान टू एक्स है बी का मान क्या है थ्री एक्स ए बी वाला टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू बाई थ्री इस चीज का आपको थोड़ा सा बस चौकन्ना रहना है तो जहां जहां ए बी ए बी वाला फॉर्मूला लगता था वो अब वन नहीं रह जाएगा उसके जगह पे क्या जाएगा तो वहां पर ये फैक्टर आ जाएगा टू और थ्री है तो टू थ्री यहां पर ए वाले जगह पे आ जाएगा इस चीज का आपको नोट बनाना है चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं यहां पर आपको दिया है टू एक्स प्लस वन बाय थ्री एक्स जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहां चार एक्स्ट्रा आ गया यहां पर भी चार एक्स्ट्रा अगर मैं चार को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय नाइन एक्स स्क्वायर यही निकालना है तो देखिए वैल्यू जो आपको निकालने को कहा गया है वो इसका स्क्वायर ही है लेकिन एक चार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है तो आप इसका स्क्वायर तो का वैल्यू क्या होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय नाइन एक्स स्क् कैसे निकलता है तो निकलता है ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब पच्चीस माइनस टू ए होता है तो ए यहां पर क्या है तो टू बा टू बाई थ्री को लिखना मत भूलिए ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू तीन से यहाँ पचहत्तर बन जाएगा पचहत्तर माइनस चार बटा तीन आ रहा 3. लेकिन हमें इसका मान थोड़ी निकालना है हमें तो इसका चार गुना मान निकालना है तो मेरे को यहाँ पर चार भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है वो सोलह एक्स स्क्स डिवाइडेड बाय नाइन एक्स स्क्त हो जाएगा टू एटी फोर ठीक है 3, मतलब सही उत्तर जो है वो ए है ठीक है तो जब भी आपका सिमेट्रिसिटी वाले क्वेश्चन में एक्स और एक्स तो कटना ही है बस आप यहां देखिए एक्स के सामने टू है यहां पर एक्स के सामने थ्री है तो ये टू और थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू डिवाइडेड बाय थ्री भी आएगा इस चीज का आपको ध्यान रखना ठीक है अगला सवाल देखिए यहां पे दिया हुआ है कि x माइनस वन बायस बराबर जीरो है द वैल्यू ऑफ x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन बाय माइनस थ्री होल स्क्वायर क्या होगा तो x माइनस वन बाय एक्स जीरो है वन बाय माइनस थ्री जीरो है तो एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन बायस थ्री का मान आपको निकालना है कैसे निकलेगा? देखिए आप दोनों तरफ तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा, माँणस थ्री, माँणस वन थ्री। और क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस थ्री किया तो मुझे राइट हैंड साइड में भी माइनस थ्री करना होगा तो ये माइनस थ्री इस तरीके से मैंने यहां पर जोड़ दिया दोनों तरफ जैसे ही दोनों तरफ जोड़ देंगे तो भाई अब इसका स्क्वायर ही तो निकालना है। आप खुद सोचिए x माइनस थ्री और आपको निकालना क्या है आपको निकालना एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर मतलब आपको क्या करना है तो वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर ही तो निकालना है और आप अभी तक ये देखते आ रहे हैं कि वाई माइनस वन बाय माइनस थ्री है तो वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर कैसे निकाल एक्स माइनस थ्री को देखकर कंफ्यूज मत होइए, तो क्योंकि ये थ्री भी एक वेरिएबल ही है, और उस वेरिएबल को यदि हमने X by X के फॉर्मेट में लिखा है फिर उसका स्क्वायर कर दिया तो आप वही रिजल्ट को यूज करेंगे जो रिजल्ट हमने वहां पर भी यूज किया था ठीक तो डायरेक्टली यदि आपसे यहां से जो वैल्यू निकालना है वो क्या था एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर

क्योंकि इसके ऊपर आज तक सवाल बना नहीं है बनने की चांसेस जरूर रखता है तो इसको आप नोट करके रखेंगे कि जब भी कभी रिजल्ट आपको लिखवा देता हूं मैं बहुत सारे रिजल्ट हमने लिखे थे तो इस रिजल्ट को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे ठीक चलिए एक्स प्लस वन माए एक्स इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस वन माए एक्स इक्वल टू रूट टू इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए एक्स प्लस वन माए एक्स इक्वल टू रूट टू दिया हुआ है तो रिजल्ट क्या कहता है रिजल्ट कहता है एक्स के पावर चार प्लस वन बराबर जीरो ये हमारा रिजल्ट कहता है ठीक कैसे आया देखिए सिंपल सी बात इसको स्क्वायर कर लीजिए तो एक्स स्क्सर का मान क्या होगा ये होता है रूट टू का स्क्वायर टू माइनस ऑफ टू तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जीरो बन गया अगर ये जीरो बन गया तो इसको जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा ये बन जाएगा एक्स के पावर चार प्लस एक बराबर जीरो मतलब एक्स के पावर चार प्लस एक का मान कितना हो गया एक्स के पावर चार प्लस एक का मान जीरो ही तो हो गया क्लियर है चलिए इसी चीज को यूज़ करिए पर कि x x के घात मतलब प्लस वन आपको निकालना क्या है x के पावर सत्रह प्लस वन बायस सत्रह निकालना है तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले जिसमें कि आपने देखा था कि एक्स के घात छ प्लस एक बराबर जीरो हो रहा था वहां पर भी आपको पावर सत्रह प्लस वन एक्स के निकालना था। तो मैंने ट्रिक क्या बताया देखिए चार के मल्टीपल में सत्रह के आसपास कोई नंबर है अलग लिख करते सोलह इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स के घात सोलह ऐसा लिख सकते कि नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि

और माइनस वन के घात यहां पर भी सम संख्या मतलब तो तो मतलब समझ में आ रहा है सवालों को तो एक्स प्लस वन बायसल टू रूट टू का मैंने रिजल्ट लिखाया नहीं था तो इसका रिजल्ट आप नोट करके रखेंगे कि जब भी कभी एक्स प्लस वन बाय रूट टू होता है ऐसे केस में एक्स की घात चार प्लस वन बाय चार जो है आपका

तीसरा वाला है नाइनटीन और ट्वेंटी थ्री इसमें से यदि मैं एक्स के घात नाइनटीन को मैं कॉमन निकाल दूं तो अंदर बचेगा एक्स के घात चार प्लस एक अगला वाला वन है यहां एक्स के घात चार है तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स के घात चार प्लस एक करेक्ट अब इसको सॉल्व करिए तो एक्स के घात चार प्लस एक जीरो है यह जीरो हो गया ये भी जीरो 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 तो आंसर क्या है जीरो आ तो आपको दो रिजल्ट मैंने मतलब एक रिजल्ट के ऊपर दो क्वेश्चन मैंने कराया पहले ये इससे पहले हमने ये वाला देखा जिसमें आपको x के घात सत्रह प्लस वन बाय एक्स के घात सत्रह निकालना है अब इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन को भी आप चौक करना रहिए यहाँ पर x के घात चार प्लस एक कॉमन निकल जाता है ये सारी चीजें जीरो हो जाती है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और यहां पर जब निकालने को आपको वैल्यू दिया तो एक्स माइनस चार है यहां पर भी एक्स माइनस चार है और पावर में फोर लगा हुआ है तो कुछ लोगों से ये सवाल जो है बनते नहीं है लेकिन ये भी मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है ठीक चलिए समझते देखिए मुझे कहां पर जाना है मुझे यहां पर एक्स माइनस चार के ऊपर और एक्स माइनस चार के ऊपर कोई यहां पर एक्सप्रेशन मिलना चाहिए यानी मेरा यहां पर गोल ये है कि पहले मैं एक्स माइनस चार प्लस वन बाय एक्स माइनस चार इसको मैं फाइंड करने की कोशिश करूं अगर ये फाइंड हो गया तो यहां पर तक पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि एक वेरिएबल जैसा ही है तो जो इसका स्क्वायर होगा फिर जो वैल्यू आया उसमें माइनस टू कर देंगे फिर जो वैल्यू आएगा वो एक्स माइनस वन के घात स्क्वायर चार के घात स्क्वायर होगा फिर से जो वहां जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करके माइनस टू करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा लेकिन पहले हमारा गोल ये है कि हम इस चीज को फाइंड करें तो पहला सवाल है मैं थोड़ा धीरे धीरे करके समझाऊंगा लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में थोड़ा समय स्पीड बताऊंगा कि जिस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में बनाना है आप लोग देख रहे हैं ये क्या है तो एक्स माइनस तो चार का होल स्क्वायर करूं तो वैल्यू क्या होगा समझिएगा यहां पर अगर मैं x माइनस चार का होल स्क्वायर करूं तो वैल्यू क्या आएगा तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब माइनस एट एक्स प्लस सोलह यही आएगा तो मेरे पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं उस वैल्यूज से मैं इसको निकाल लूंगा क्योंकि मुझे ऊपर में चाहिए चार का स्क्वायर ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं इसको x -4 से डिवाइड करूं तो ये फैक्टर कट जाना चाहिए एक बार चार ऊपर भी आए और एक्स माइनस चार नीचे भी आए तो मैं कोशिश ये करूंगा कि यहां जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको एक्स माइनस चार के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाऊ तो मेंटली आप चीज को कैलकुलेट करिए कि यहां जो वैल्यूज है इसको मैं ऐसा तोड़ लेता हूं यह बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सोलह को अलग लिख लेते हैं तो माइनस का यहां पर सत्रह अलग जाएगा इक्वल टू ठीक है ऐसा तोड़ सकते हैं तो ये बन गया भाई एक्स माइनस चार का होल स्क्वायर अब जो बचा हुआ वैल्यू है इस बचे हुए वैल्यू में से भी मैं इसको एक्स माइनस चार के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा तो ये जो सत्रह है इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं लिख लेता हूं सोलह प्लस एक क्वल टू जीरो ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि माइनस चार अगर इसमें से कॉमन निकालू तो यहां पर भी क्या बच रहा है तो एक्स माइनस चार बच रहा है और प्लस का एक अब मैं पूरे इक्वेशन को एक्स माइनस चार से डिवाइड करूंगा तो एक्स माइनस चार प्लस वन बाई एक्स माइनस चार का वैल्यू आ जाएगा तो यहां से मैं क्या करूंगा इसको भी एक्स माइनस चार से डिवाइड कर लेते हैं इसको भी x माइनस चार से डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी x माइनस चार से डिवाइड कर लेते हैं x तो माइनस चार एक्स माइनस चार, चार मतलब वैल्यू क्या आया? चार प्लस ये वाला वन तो अब जैसे ही आपने देखा वैल्यू आ गया तो पहले आप इसको सॉल्व करना सीख लीजिए क्योंकि तो हम कई बार देख चुके हैं कि अगर एक्स प्लस वन बायस है तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैसे निकालना है एक्स के घात चार प्लस चार कैसे निकालना है तो यहां से आप डायरेक्टली एक्स माइनस चार का स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स माइनस चार का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा भाई चार का स्क्वायर सोलह माइनस दो चार का स्क्वायर सोलह माइनस दो मतलब कि चौदह ठीक अब यहां से एक्स माइनस चार का होल पावर चार डिवाइड बाय एक्स माइनस चार का होल की पावर चार का वैल्यू निकालना सीख लीजिए चौदह का स्क्वायर माइनस दो का यानी वन नाइनटी सिक्स माइनस टू तो हो जाएगा वन फोर ठीक है तो डी सवाल का सही उत्तर होगा क्लियर यहां तक समझ में आ गई बातें अब देखिए यहां से अब दिया हुआ एक्स माइनस एट माइनस वन बाई एक्स माइनस एट इसको कैसे निकाला जाए तो देखिए जो मैंने चीजें बताई उसको यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करिए तो बनेगा आपको खुद सोचना पड़ेगा बनाने के लिए, का को यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स एक्स प्लस का सिक्सटी फोर यही होता है तो मैं यहां पर कुछ इसी तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा मैं यहां पर क्या करूंगा इसको तोड़ता हूं कैसे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स और प्लस का 64 तो रिमेनिंग क्या है भाई यहां पर 6x बचा है ना माइनस सिक्स बचा है इसको अलग लिख लेते हैं और 64 आपने निकाल दिया 64 आपने निकाल दिया तो कितना बचा ठीक है 47 बचा तो 47 को अलग लिख लेते हैं अब ये जो है x माइनस आठ का होल स्क्वायर है माइनस इसको x माइनस आठ बनाने के लिए ये एक्चुअली प्लस में है ना प्लस में तो मैं क्या करूंगा इसको अड़तालीस बना लूंगा फोर्टी ताकि यहां पर छे कॉमन निकालने पर आठ बचे और क्योंकि मैंने एक जोड़ दिया अपनी मर्जी से तो माइनस का एक भी करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा माइनस सिक्स निकालने पर एक्स माइनस आठ और आगे एक माइनस एक और तो अगर मैं इसको एक्स माइनस आठ से डिवाइड कर लूं ठीक एक्स माइनस आठ से डिवाइड कर लूं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस आठ ठीक है माइनस का छे और माइनस वन बाय एक्स माइनस आठ यही होगा इक्वल टू जीरो छे जो है दूसरे तरफ चला गया तो आपके पास वैल्यू आ गया कि एक्स माइनस आठ 8 का वैल्यू जो है इसका मान आपके पास आ गया छे को दूसरे तरफ भेज दीजिए तो आ जाएगा, इसका 6, 6 आ जाएगा आपको निकालना क्या वैल्यू था इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए वैल्यू तो आ गया तो बताइए भाई एक्स माइनस आठ प्लस वन बायस आठ कैसे निकलता है इसको निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर करना होगा जो कि होता है छत्तीस और 36 में क्योंकि आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस का चार करके स्क्वायर रूट लेना होगा मतलब हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो छह इंटू हो जाएगा बारह रूट दस बारह स्क्वायर रूट ऑफ दस मतलब की डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर यहां तक बातें समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अब देखिए से आपको निकालना है एक्स की घात पांच माइनस वन बाय पांच देखिए एक्स की घात पांच माइनस वन बाय एक्स की घात पांच निकाले तो कैसे निकाल इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पहले डिस्कशन कर लेता देखिए मैंने आपको जो शुरुआती तौर पर जो फॉर्मुलेज लिखाए थे ठीक उस फॉर्मुलेज में हमने क्या क्या देखा था तो हमने देखा था भाई अगर एक्स प्लस वन बायस तो स्क्वायर प्लस वन बायस स्क्वायर कैसे निकालना है एक्स की घात चार प्लस वन बायस घात चार कैसे निकालना है ये सारी चीजें हमने देखी थी साथ में हमने ये देखा था कि अगर एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब है तो वो कैसे निकालना है ठीक अब आपको जो सवाल दिया हुआ है इस सवाल में यदि आप थोड़ा सा इसको गौर से तो हमें X के घात घात मतलब ये 5 है है हमको निकालना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए कि इसको निकालना है तो कैसे निकालना है ठीक तो सपोज करिए कि अगर आपके पास एक्स माइनस वन बाय एक्स है एक्स माइनस वन बाय एक्स आपके पास है जिसका वैल्यू कितना है तो जिसका वैल्यू है ए तो आप भली बात ही जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स हो जाता है तो ये हो जाएगा क्यूब प्लस प्लस मतलब एक्स माइनस वन बाय अगर हमारे पास है तो हम ये जानते हैं एक्स स्क्स बायसर कैसे निकाला जाए और एक्स क्यूब प्लस वन बायसूब कैसे निकाला जाए मैं क्या करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई दूंगा ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस वन वन ये जाता है, ये जाता है। और जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूं तो क्या मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के घात पांच आएगा एक्स के घाट स्क्स की जाएगा तो ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन बायस आएगा

तो अगर मुझे ये निकालना है तो पहले x माइनस वन बाई एक्स होना चाहिए तो कैसे निकलेगा आप देख रहे हैं तो कुछ चीजों को अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक्स प्लस एट एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्सटीन एक्स आना चाहिए तो यहां पर सिक्सटीन एक्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा अपने मर्जी से एक्स स्क्वायर प्लस इसको सोलह एक्स बना देंगे और प्लस थर्टी नाइन है तो 39 में एक्चुअली कितना जोड़ा जाए कि यहां पर 64 बने क्योंकि एक्स प्लस एट का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्स एक्स प्लस आप माइंड में कैलकुलेट करिए मतलब मेरे को यहां पर एक्स्ट्रा थ्री एक्स चाहिए था, तो मैंने 3X जोड़ दिया, प्लस 25 और जोड़ना पड़ेगा यानी अगर यहां जीरो था तो मैंने 3x एक्स प्लस पच्चीस को एक्स्ट्रा जोड़ दिया अपने मर्जी से क्योंकि मुझे यहां पर जो वैल्यू चाहिए वो एक्स प्लस एट का होल स्क्वायर चाहिए तो ये पूरा का पूरा जो है ये वाला वैल्यू जो है ये बन जाएगा सिक्सटी और एक्स्ट्रा मैंने कितना जोड़ा दोनों तरफ तो थ्री एक्स प्लस पच्चीस मैंने इस 25 को तोड़ लेते हम चौबीस प्लस एक में ट्वेंटी फोर प्लस एक में तो यह बन जाएगा भाई थ्री इंटू एक्स प्लस आठ प्लस एक ठीक है तो यदि मैं इसमें पूरे के पूरे को एक्स प्लस आठ से तोड़ डिवाइड कर लू ये भी एक्स प्लस आठ से डिवाइड कर लू और ये भी एक्स प्लस आठ से डिवाइड कर लो तो इससे हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा किसका तो एक्स प्लस वन प्लस का। तो एक्स प्लस वन प्लस का का ऑफ वैल्यू आ गया कितना तो तीन आ गया तो ये चीज आपको सबसे पहले सीखना होगा कि कैसे हम इस चीज को निकालें ठीक चलिए अब जैसे ही आपने ये देख लिया कि एक्स प्लस वन आठ और माइनस वन बायस आठ का वैल्यू तीन है तो दो चीजें आप फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए जो कि एक है उसमें से एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस आठ का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बायस आठ का इसको आप निकालना जानते हैं ये कैसे आएगा अगर आपके पास माइनस का वैल्यू है तो तीन का स्क्वायर यानी दो करोगे तो ग्यारह वहीं आपके पास एक्स प्लस आठ का होल क्यूब माइनस वन बाय एक्स प्लस आठ का होल क्यूब निकालना है तो ये भी आप जानते हैं कैसे निकलेगा तो इसका क्यूब करना होता है यानी सत्तावीस प्लस तीन इंटू इतना करना होता है यानी तीन का क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री, जो कि कितना हो जाएगा तो छत्तीस हो जाएगा ठीक हम क्या क्या कर रहे थे? अब उस को को याद करिए। हमने क्या किया? इन दोनों है मतलब एक्स के घाट एक्स प्लस आठ के घात पांच माइनस वन बाय के घाट एक्स प्लस आठ के घाट पांच और एक्स्ट्रा यहां पे क्या आ जाता है तो एक्स्ट्रा यहां पर फिर से करना क्या है, आपको ये दोनों निकाल देना है इसका वाला और इसका क्यूब वाला वैल्यू माइनस में तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री नाइन सिक्स आएगा और जब इसका वैल्यू चाहिए तो तीन दूसरे तरफ निकल के आएगा तो इसका वैल्यू जो है ये आपका वैल्यू दे देगा जो कि थ्री नाइनटी थ्री का का जो कि है ये ऑप्शन क्लियर यहां यहां तक बात समझ में आ गई चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो ठीक तो सिमेट्रिक है इसमें से आप क्या करेंगे एक्स माइनस वन बायस निकालने की कोशिश करेंगे कैसे आएगा अगर मैं पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूसरे एक्स स्क्वायर का माइनस का एटी थ्री प्लस का वन बाय स्क्वायर बराबर कितना है 0 है तो यहां से x x का निकालना, जो होता है मतलब इसका वैल्यू कितना है तो नाइन है ठीक है एक्स माइनस वन बाय नाइन है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय क्यूब क्या होता है नो क्यूब प्लस थ्री इंटू नाइन जो कि हो जाएगा सेवन ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां फाइव का सही उत्तर है, ठीक चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं तो आशा करता हूं जो एक्स प्लस वन बायस वाला फॉर्मेट है यह आपको भली भांति समझ में आया होगा कि कैसे हमें एक्स प्लस वन बायस वाले फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कुछ और सवाल जो है वो आपको आने वाले हफ्ते में जो आपके प्रैक्टिस शीट है वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आया वीडियो में तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन में आप जुड़ जाइए वहां पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं आपको जो भी डाउट है वहां पे क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूं इस वीडियो में अगर आपको पसंद आया है लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका प्रिपरेशन हो रहा है और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना ही